सर्वांगासन एक ऐसा शक्तिशाली आसन जिसके करने से हमारी शरीर के आधे से ज़्यादा रोगों की समाप्ति हो जाती है। इस आसन को करने से हमारे शरीर का ब्रह्मचर्य मजबूत होता है और हमारी बुद्धि का विकास होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा राय पर। तो मैं लेकर आया हूँ एक और हेल्पफुल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सर्वांगासन कैसे करते हैं, सर्वांगासन के क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलो देखते हैं कि इस आसन की क्या टेक्निक्स है, क्या प्रैक्टिस है जिनको करने से हम इस आसन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक योगा मैट ले लेनी है और उस पर आराम से लेट जाना है। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को 30 डिग्री पर ले जाना, 90 पर, और फिर धीरे धीरे अपने सर के पीछे ले जाना है हलासन की पोजिशन में। और यह हम अपने घुटनों को कानों के पास ले आएंगे कर्ण पीड़ासन की पोजिशन में और अपने हाथों के इंटरलॉक करके अपनी बॉडी को कुछ पीछे की ओर पुश करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेट करेंगे, घुटने पंजे खींचे हुए ऊपर की तरफ, अपने आँखों को अपने अंगूठों को देखना है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को दूसरी पोजीशन के लिए तैयार करते हुए नीचे लाना है। अब अपने पैरों को खोल लेना है और धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है अपने हाथों के सहारे के साथ। आप इस आसन को, इस प्रैक्टिस को दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। अपने पैरों को ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे, अपने हाथों को अपनी कमर पर लगा लेंगे और सपोर्ट देंगे। धीरे धीरे रिलैक्स। तो अगर इन प्रैक्टिस को आप भी अपने एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करते हैं तो आप भी सर्वांगासन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक स्वस्थ हेल्थी लाइफ को पा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। इस सर्वांगासन को करने के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस है, किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से वो रोग हैं। तो जिनको हमें हेडेक है, सर दर्द के रोग हैं, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। या जिनको कंधे से जुड़े जो रोग हैं, या जिनका यकृत कमज़ोर है, या जिनका बढ़ा हुआ थायराइड है, बीपी है, जिनको, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन से बचना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि शोल्डर वाले आसन्स को नहीं करना चाहिए ऐसे रोगियों को। तो चलिए अब बात करते हैं इस आसन के क्या फ़ायदे हैं। इस आसन से के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो स्वस्थ करता है हमारे शरीर को। इस आसन से हमारा ब्रह्मचर्य बढ़ता है, हमारी बुद्धि के जो तनाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं, हमारी नींद जो है हमें अच्छे तरीके से आती है और हमारे। और अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ योगा सीखना, ऐसे ही डेली नए नए आसनों को सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।